प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया लायक खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जिसमें वो ना सिर्फ कट्टरपंथियों से लेकर मजहब के जो ठेकेदार हैं बल्कि जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं उनको भी आड़े हाथों लेंगी और उनकी पोल खोलेंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं जानती हूं कि मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाएगा। मैं जानती हूं कि पुलिस की फौज इमाम साहब मंगाकर खड़ा करके रखेंगे। मैं जानती हूं कि इमाम साहब मुझे बहुत बेइज्जत करेंगे। मुझे पता है कि इमाम साहब मेरी पूरी इज्जत को अपनी शब्दों से नीलाम करेंगे और सबसे पहले मुझे रोड दिखाया जाएगा कि यहीं पर पढ़ ले नमाज। और मैं रोड पे पढ़ूंगी नहीं और मैं अंदर जाऊंगी, किसी भी हाल में मैं अंदर जाऊंगी। और जानबूझ करके जब मैं अंदर जाऊंगी तो मेरे साथ इतनी अभद्र सलूक किया जाएगा जिसको मैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आपने तो सिर्फ हलावा की बात कर दी है। अगर मुसलमान मर्दों को और मुफ्ती को और खारी को, इमाम को अगर वाकई में अल कुरान फॉलो करना होता तो मुझे लगता है कि भारत में जितने भी हुड़दंगी और अश्लील मर्द हैं उनके तो औजार कट चुके होते, बिल्कुल कट चुके होते। 72 वर्जिन हूरों का जिक्र कोई भी मुफ्ती नहीं दे रहा होता, कोई भी खारी नहीं दे रहा होता, क्योंकि अल कुरान में तो 72 वर्जिन हूरों का जिक्र ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब आती है बात कि नाज़िया कल 11 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक मलाइन डिफेम असल्ट होने को तैयार है, क्योंकि अल कुरान ने यह बताया है कि बीबी मरियम अलैहि सलाम जब प्रेग्नेंट हुई थी और बिना खाविंद के, बिना शौहर के हुई थी, तो उनके ऊपर पत्थरबाजी यही मुसलमानों ने किया था, उनको गालियां यही मुसलमानों ने दी थी, उनको घर से बेघर बीबी मरियम को यही मुसलमानों ने किया था। तो मैं उन्हीं की औलाद हूं ना, मैं तो बीबी मरियम को मानती हूँ ना, मैं तो बीबी आयशा को मानती हूँ ना, मैं तो बीबी खतीजा को मानती हूँ ना। तो ठीक है, सही है, इस बार मेरे ऊपर भी पत्थर, लेकिन जाके तो मैं रहूंगी, नमाज तो मैं मर्दों के सब के साथ पढ़ूंगी, और अगर एक व्यक्ति भी नहीं रहेगा तो भी मैं इकरा पर जरूर अपनी बात रखूंगी, शिक्षा पर मैं जरूर अपनी बात रखूंगी। क्या आपको इस मामले में मुस्लिम लेडीज का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि रिफॉर्म्स जिनके लिए आप लड़ रही हैं वही अगर गायब होंगी तो कैसे काम चलेगा? हरी भाई, मैं अभी किसी की जान जोखिम में नहीं डाल सकती, ये आगाज है। मैं इस तरह से किसी मासूम के बच्चे की जान को लेकर के रिस्क में नहीं डाल सकती। CAA NRC के ऊपर इतना बड़ा क्राउड, एक हवाबाजी वाला CAA NRC था, उसके ऊपर इतना बड़ा लेडीज का क्राउड अगर दिन रात सड़कों पर बैठा रह सकता है, दिन रात, डेफिनेटली सही था दिन रात, क्योंकि दिन रात था वो। तो दीदी, नमाज के मामले में कुछ तो मोटिवेटेड या लेडीज ज्वाइन कर सकती हैं। मुसलमानों में दो तरीके की औरतें हैं, एक भारत की पुत्रियां और एक जिहादर काले टेंट वाली। हम यूं तो आरफा खानम शिरवानी को भी देख लेते हैं किस तरह से हुक्का गुड़गुड़ाती हैं और जीन्स और छोटे से टॉप पहन करके हिजाब का अवेयरनेस फैलाती हैं। यूं तो हम बरखा दत्त को भी देख लेते हैं, हैं सनातनी पर हमेशा सनातन के विरोध में बात करती हैं, हमेशा मुसलमानों के पक्ष में बात करती हैं। तो उसी तरीके से हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में दो तरीके की मुसलमान महिलाएं हैं, एक जो भारत की पुत्री कहलाना ज्यादा गौरव समझती हैं और एक काले टेंट में जिहादन बनना ज्यादा फक्र की बात समझती है। तो जो काले टेंट में अपने आप को जिहादन बना करके और स्लीपर सेल बना करके बैठी है, उनके लिए इज्जत आबरू कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। कितनी बेशरम है आरफा खानम शर्वानी जो जीन्स और टॉप में हुक्का गुड़गुड़ाते हुए हिजाब के अवेयरनेस की बात करती है, तो वो बेशर्मी ही है ना। लेकिन मैं उन बेटियों के बारे में बात कर रही हूँ जो अपने लीगल राइट को जानती हैं। मैं उन भारत की पुत्री मुसलमान बेटियों के बारे में बात कर रही हूँ जो रेगुलर मेरे से कांटेक्ट में है और चाहती हैं कि वो मेरे साथ जाएं, लेकिन मैं उनके साथ वो नहीं होने देना चाहती हूँ जो मेरे साथ कई साल से होता आ रहा है। मैं दरवाजे खोलना चाहती हूँ और उस जब वो दरवाजा खुल जाएगा खैर खुबी से, तब वो जाए ना, और जाती रहेंगी, देख लीजिएगा।
इस एक रिफॉर्म वाला पार्ट आपका जबरदस्त है, लेकिन इसमें एक वीडियो भी है ना जो जबरदस्त लेवल पर वायरल हो रहा है, और वो है ममता बनर्जी का वीडियो। मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूंगा, लास्ट कमेंट है आज का लास्ट कमेंट है, और उसके ऊपर ही बताइएगा कि असलियत में ये क्या है। जब एक हिंदू ब्राह्मण महिला, इस आपका बिल्कुल सही बात है, हिंदू ब्राह्मण महिला अगर ये बात कर रही है तो वो जिहाद की बात कर रही है, वो सारी बातें कर रही है दीदी। तो ये देखिए एक बार जरा इसको सुन लेते, हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। हे लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं। अब आप बताएं कि इस्लाम के हिसाब से तो ममता बनर्जी खुद काफिर है। मैं भी यही पूछ रहा था, इस्लाम और मुसलमानों के हिसाब से हिंदू है, वो तो खुद काफिर है। अब दूसरी बात आती है, क्या अल्लाह तबारक ताला इतना फ्री बैठा हुआ है कि बीजेपी को कौन वोट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है ये अल्लाह तबारक ताला का काम है? इतने वेल्ले हैं अल्लाह तबारक ताला, उनके पास कोई काम नहीं है। जो पूरी कायनात का राक्षस है, जो पूरी कायनात को देख रहा है, जिसने पूरी दुनिया बना डाली, जिसने हर एक व्यक्ति को अशरफुल मखलूकात बना डाला, जो जन्नत और जहन्नम के हिसाब किताब रख रहा है, जो अच्छे और बुरे के हिसाब किताब लिख रहा है, जिसने हर मुसलमान के दाहिने राइट कंधे पर फरिश्ते बैठा रखे हैं और बाएं कंधे पर शैतान बैठा रखा है, वो भी खाते और बही के साथ कि हम कब अच्छा कर रहे हैं, कब बुरा कर रहे हैं, और लिखाई हो रही है, और लैलतुल कद्र के दिन उसकी पूरी कैलकुलेशन होती है, और वो अल्लाह तबारक ताला बीजेपी को कौन वोट कर रहा है उस पर ध्यान दिया हुआ है? कौन से अल्लाह के बारे में बात कर रही थी श्रीमती ममता बनर्जी? कहीं बिना मोच के दाढ़ी और जाली टोपी और शेरवानी असदुद्दीन अवैसी को तो नहीं समझ ली थी वो? नौजुबिल्ला, अल्लाह माफ करे, कहीं असदुद्दीन अवैसी को तो नहीं समझ ली वो? नहीं 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 यार, ममता बनर्जी साहिबा, असदुद्दीन अवैसी भी एक मोमिन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और अल्लाह के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि कौन बीजेपी को वोट कर रहा है ये देखने का। एक एक छोटा सा डाउट है, अगर रूल ऑफ कैलिफेट की बात की जाती है तो वहां तो डेमोक्रेटिक सिस्टम बनता ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो शायद ये जो टॉपिक आपने सुना है ना, ये तकरीबन 15 मिनट का डिस्कशन है, अब ये अगली बार करेंगे, नेक्स्ट हमारा यही रहेगा, यही रहेगा। तो इसके अंदर तो डेफिनेशन, अगर फिर तो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग तो वोट ही नहीं डलना चाहिए, क्योंकि रूल तो एक ही है। चलो इसको बाद में देखेंगे, आपने जो समझाया दीदी वो खतरनाक है, और मतलब सही में मुझे नहीं पता था, फ्रेंकली मुझे नहीं पता था कि वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू प्रोफेस नमाज इन मस्जिद, मुझे नहीं पता था। मेरे हिसाब से जो, क्योंकि मेरे यहाँ पर जामा मस्जिद है पास में दिल्ली में, तो मैं वहां पर लेडीज को जाते हुए देखता हूँ सीढ़ियों पर, वो लड़का हस्बैंड वाइफ वगैरह बैठ के, या जो भी है, हमने एक बार देखा है, बैठते हैं साथ में सफ में खड़े होकर के, नमाज नहीं पढ़ते। इवन आरफा खानम शेरवानी भी जामा मस्जिद दिल्ली के चबूतरे पर बैठ करके फोटो खिंचाती है ईद के दिन, जाकर के नमाज नहीं पढ़ती है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस? हाँ, तो नमाज नहीं पढ़ सकते, मतलब ये थोड़ा, मतलब अब मेरे पास शब्द नहीं बचे, ये तो अब इंटरफेरेंस एक अलग ही हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि नहीं पढ़ते। हाँ, इतना पता था कि समथिंग वो डिफरेंसेस तो है। खैर, कभी है ना दीदी, बीबी मरियम के बारे में हमें समझाइएगा कि अल्टीमेटली वो जो एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है, मुझे मेरे किसी दोस्त ने बताया था कि चैप्टर नंबर 4 है, और चैप्टर नंबर 4 में पूरा बीबी मरियम के बारे में एक्सप्लेनेशन है, और बहुत, अब ये नहीं है कि अच्छा है बुरा है, मुझे नहीं पता, लेकिन समझेंगे जरूर कि पढ़ना चाहिए, आंखों से आंसू, ही महिला का जिक्र है उसमें, सिर्फ एक महिला का जिक्र, पूरे मरियम पूरा का पूरा सूरा है उनके ऊपर, और हमारे इस्लाम की दो ही औरतों के बारे में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है अल कुरान में, जिसमें बीबी मरियम का सबसे अफजल मुकाम है, और मैं आपको जरूर ट्रांसलेट करके पढ़ के सुनाऊंगी, आंखों से आंसू गिर जाएगा। उनकी जिंदगी में जो मतलब तूफान था, और जिस तरह से मुसलमान मर्दों ने उनके साथ बदसलूकी की है,
वो सुन के बहुत बुरा लगेगा, बहुत रोंगटे खड़े। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, चाहे वो अरफा खानम हो, बरखा दत्त हो, या फिर मजहब के ठेकेदार ओवैसी जैसे हो, चाहे फिर ममता बनर्जी हो, सबको आड़े हाथों लिया और सबकी पोल खोल के रख दी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी आपके चैनल पर डाल चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा आप जाके वो भी देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।